गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। और आज करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन, एरिया अंडर द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द रीजंस। तो बेसिकली इट इज कि हमारे पास कुछ कर्व्स होंगे, उसके अंदर कुछ लिमिट्स लगेंगी और हम उसके अंडर का एरिया निकालने वाले हैं। हमें सर्टन चीजें स्पेसिफाइड होंगी एंड हम उसका क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। सो बेसिकली व्हाट इट इज ऑल अबाउट, लिमिट ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और ये फंक्शन को बेसिकली हम क्या कहते हैं, वाई कहते हैं। So, a to b of y dx, तो आपको कोई let's say यहां एरिया ऐसे दिया हुआ, तो आपको इसके नीचे का ये कहते हैं a से b का एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है। So, ये a to b हमारे पास एरिया आ जाएगा। हो सकता है वो y एक्सिस में हो, ठीक है जी, तो आप y एक्सिस के अंदर भी निकाल सकते हो। अब हो सकता है मेरे पास यही एरिया ऐसे हो और वो कहे y एक्सिस में निकालना है, तो भैया तब लिमिट यहां से ए से बी चली जाएगी और हम यहाँ एफ ऑफ वाई लिख देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे एफ ऑफ वाई मतलब एक्स हो जाएगा। सो डिपेंड्स कि भैया हमारे पास क्या एरिया है, हमने कौन से लिमिट्स को लगाना है एंड उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं इसको। सो बेसिकली लेट्स टेक एन एग्जांपल, 90% हम जो केसेस बनाएंगे वो एक्स एक्सिस के साथ ही करेंगे, दैट बिकम्स स्लाइटली मोर इजीयर, नथिंग एल्स। So, सोचना होता है यहाँ पे, क्या फिगर सोचनी होती है। दिमाग जो है, पैसे जो है, सारे फिगर के हैं। रफ फिगर चाहिए, ऑफ कोर्स प्रॉपर फिगर नहीं चाहिए। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड इट्स लेटेस्ट वेक्टर। बाउंडेड बाय मतलब इनके बीच का एरिया। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इफ यू रिमेंबर, तो वो ये पैराबोला होता था। इस पैराबोला को बुलाते थे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। लेटेस्ट वेक्टर कहां से पास करता था, इफ यू रिमेंबर, इट यूज्ड टू पास फ्रॉम द फोकस a कॉमा 0। वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन हम बनाते थे जो हमारी किसको टच करती थी, पैराबोला को टच करती। अब उसने कहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला एंड इट्स लेटेस्ट वेक्टर, मतलब मुझे ये एरिया निकालना है पैराबोला और लेटेस्ट वेक्टर के बीच का। नाउ इफ यू सी, ध्यान से देखना, इसको नाम देते हैं m, इसको देते हैं n, इसको देते हैं p। भैया इफ यू सी ध्यान से, दिस इज बेसिकली एरिया टू टाइम्स एरिया OMN। जो OMN में एरिया आएगा उसको डबल कर दूंगा तो टोटल एरिया आ जाएगा, हाँ ना, सिमेट्रिकल होगा। अब OMN में एरिया कहां से कहां तक होएगा, देखो ध्यान से समझना, जीरो से लेकर A तक, और ग्राफ ये है, मतलब इसके नीचे ये जो सारा एरिया है, ये मतलब टू टाइम्स लिमिट क्या हो गई, जीरो से ए। कौन है ये वाला फंक्शन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो y क्या आ जाएगा यहां से, कैन आई राइट y एज अंडर रूट ऑफ 4ax। देखो x ही रहा हमारे पास क्योंकि लिमिट हमने x की उसके ऊपर x एक्सिस पे लगाया है, तो हमने यहां से y की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ x, नथिंग एल्स। बाबू जी ये क्या बन गया, टू टाइम्स ये रूट फोर मतलब टू रूट ए एक्स, रूट ए भी बाहर आ जाएगा, तो इसको लिख दो 4√a और x की पावर क्या आ जाएगी यहां पे 1/2। सो भैया क्या बन गया, 4√a x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो दैट इज 2/3, और लिमिट क्या लग जाएगी यहां पे 0 to a। सो ये बन गया 8/3√a इंटू a की पावर 3/2 माइनस सी। सो भैया a की पावर 3/2 इंटू a की पावर 1/2, तो क्या आ गया 8/3 a की पावर 4/2 a स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स। अब हम यहां लिखेंगे आंसर, क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट्स। क्यों, क्योंकि अब हमारे पास जो चीज आएगी दैट विल बी अ प्रॉपर एरिया, तो उसके लिए हम स्क्वायर यूनिट्स लगाना भूलना नहीं है, वेरी वेरी वेरी।
सो हमें सिर्फ बेसिकली जो दिमाग लगाना है वो ये है कि हमें एक रफ आइडिया चाहिए हमारी शक्ल कैसी होगी, फिगर की ग्राफ कैसा होगा, उसके बाद हम लिमिट कहां से कहां ले सकते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली वी कैन पुट आवर वाई की वैल्यू एंड गेट द आंसर। क्लियर? सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। बहुत सारी चीजें करेंगे इसमें, डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से देखते रहना। दो कर्व मिल रहे हैं, दो सर्कल मिल रहे हैं, लाइंस मिल रही हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं डिस्कस। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय वाई इज इक्वल टू टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स एक्सिस। वाई इज इक्वल टू टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स एक्सिस के बीच में कहते हैं क्या एरिया बाउंड। अब y is equal to 2x minus x square and x axis, बाबूजी इसका जरा एक बार हम ग्राफ देख लेते हैं। अब y को जीरो डालोगे अगर आप, तो जीरो इज इक्वल टू टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज जीरो, so x into x minus 2 is 0, x is 0 या फिर x is 2। इसका मतलब एक तो पहला ये बात तो पता है कि ये क्वाड्रेटिक है, है ना, क्या है, क्वाड्रेटिक है। अच्छा x y जब 0 है तो x 0 और 2 आ रहा है, मतलब एक पॉइंट ये और एक ये 2 ले लेते हैं, 2,0 और ये 0,0। अब ये माइनस x स्क्वायर है, इतना तो हम क्वाड्रेटिक पढ़ के आए हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, तो भैया मतलब ये कर्व कहां होगा, नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है जी, ऐसे कुछ बना दिया, दिस कर्व विल गो व्हाट, नीचे की तरफ, अगर ये प्लस एक्स स्क्वायर होता तो ये ऊपर की तरफ जाता, ठीक है। तो उसने कहा फाइंड एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड एक्स एक्सिस, मतलब ये कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में, कई लोगों को देखते नीचे, नीचे तो ओपन हो गया ना, बाउंडेड उसके बीच में, ठीक है जी, यहां से यहां तक जा रहा है, तो भैया एरिया क्या होगा, एरिया होगा लिमिट क्या बन गई, जीरो से टू बन गई, वाई कितना है, टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, सो दैट विल बी टू एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री, तो फोर माइनस एट बाय थ्री माइनस जीरो, तो ये आपका आ गया 4 बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स, माय आंसर। सिर्फ कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया बाउंड हो रहा है उसके बीच में जो आ रहा है उसको हमने निकालना था, सो दिस इज द वे वी फाइंड इट आउट। क्लियर? नेक्स्ट लेट्स मूव। जैसे ये कर्व था और एक्स एक्सिस थे, ऐसी कर्व और वाई एक्सिस भी आ सकता था, तो हम उसमें लिमिट एक्स की वाई की डाल देते। फाइंड एरिया ऑफ रीजन, फाइंड एरिया ऑफ रीजन इंक्लूडेड बिटवीन y square, y is equal to 3x square by 4 and 3x minus 2y plus 12 is equal to 0। कहते find area of region included between this and this। अच्छा पहली बात तो ध्यान से समझ, 3x minus 2y plus 12 क्या हो गया हमारे पास। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे आपको, ये क्या है मेरी एक लाइन है और यहां x square और ये सिंगल है y, यहां y square होता और x होता तो भैया ये क्या होता है, एक पैराबोला होता, इतना तो हमें पता है, ठीक है जी। अब पैराबोला है और उसमें x square है सिर्फ, तो भैया ये कौन सा पैराबोला हुआ, अपवर्ड्स पैराबोला हुआ, y square नहीं है, x square है, ठीक है जी। तो पहले तो इसको बनाते हैं, बनाना भी क्या है, दिस इज बेसिकली अगर x जीरो होएगा तो y भी जीरो होगा, तो मतलब 0,0 से पास करेगा, राइट,
एक्स ने हमेशा क्या रहना है यहाँ पे, जो मर्जी वैल्यू डाल दो एक्स की, दैट विल ऑलवेज बी वाई विल ऑलवेज बी वॉट पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव डालो तो भी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, तो मतलब ये ऊपर की तरफ पैराबोला। तो मुझे कोई वो नहीं है मेरे को यहाँ फिगर का अवार्ड मिलने वाला, इट इज जस्ट अ टेंटेटिव फिगर दैट वी मेक, अ रफ स्केच दैट वी मेक कि भैया हमारा ये जो पैराबोला है ये y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बाय 4 ऐसे कहीं शक्ल में जा, राइट। अब ये लाइन है मेरे पास, अब ध्यान से देखिए, अब इस लाइन की शक्ल बनाते हैं तो ये लाइन होती है, अगर x को 0 डाल दोगे, x को क्या डाल दोगे 0, तो माइनस 2y और माइनस 12 हो जाएगा, y आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा, है ना, x 0 है तो y 6, यहां भी मार्क कर लेते हैं। अच्छा y 0 है तो x आ जाएगा माइनस 4, अब बात यह है कि ये लाइन, लेट्स से ये लाइन ऐसे चलेगी, दिस इज 3x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब भैया मुझे तो वो एरिया चाहिए ना, मुझे तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेंगे, यहां y क्या है 3x स्क्वायर बाय 4, यहां y क्या है 3x प्लस 12 अपॉन 2, यहां से y की वैल्यू ये माइनस 2 वहां ले गए, लिख लेना बाऊजी क्या बन गया 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 6x प्लस 24 और x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज 0 और x x माइनस 4 प्लस 2 इंटू x माइनस 4 x आ गया आपके पास 4 या फिर माइनस 2। अब जब x 4 है आप वहां पे पुट करके देखोगे तो y आ जाएगा 3 इंटू 16 बाय 4, तो y आ गया आपके पास 3 इंटू ये आपके पास कितना बन गया आई गेस 4 कैंसिल 12 और यहां पे बन जाएगा 3 इंटू 4 बाय 4 तो 3, सो पॉइंट आ गया 4, 12 एंड माइनस 2, 3। ये इसी के पैसे हैं सारे के सारे कि भैया इंटरसेक्शन कहां पे होगी, भरत मिलाप कहां पे होगा, तो भरत मिलाप हो रहा है ये माइनस 2, 3 पे एंड 4, 12 पे। अब ध्यान से देखना, अगर आप ये चैप्टर समझना चाहते हो तो गेम खत्म हो जाती है, हम यहां से ये बनाते हैं। अब समझना बात को, मुझे इनके बीच का एरिया चाहिए, ये एरिया। अब देखना ध्यान से, सुनना समझना बाऊजी, ये जो लाइन है माइनस 2 से 4, लाइन लाइन ऊपर कर्व नीचे, ये सुन, मुझे ये एरिया चाहिए, ये एरिया कैसे आएगा ध्यान से अगर आप समझोगे, ये लाइन का एरिया है, ये लाइन का एरिया सारा का सारा है ना, माइनस 2 से 4 में ये लाइन के नीचे ये सारा एरिया आएगा, तो लाइन माइनस पैराबोला। अब ये क्या मतलब, तो देखो पैराबोला के नीचे क्या एरिया आ रहा है, पैराबोला के नीचे ये एरिया आ रहा है, ये पैराबोला के नीचे एरिया आ रहा है, तो भैया जब पूरा लाइन के नीचे पैराबोला का एरिया माइनस हो जाएगा तो ये नीला वाला एरिया बचेगा जो हमें चाहिए, क्यों, हमें क्या चाहिए, एरिया इंक्लूडेड बिटवीन पैराबोला एंड लाइन, लाइन और उसके बीच में एरिया कौन सा इंक्लूडेड है हमें वो चाहिए। सो भैया सारे पैसे इसी के हैं, बस पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के, उसके बाद कौन सा एरिया किसमें एड या सब्ट्रैक्ट होगा उसके, माइनस 2 से 4 लाइन क्या बनेगी 3x प्लस 12 अपॉन 2,
माइनस पैराबोला क्या था 3x2/4, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ जाता 3x2/2 आ जाता और नीचे 2 है 4, 12 और 2 कैंसिल हो गए 6 हो गया 6x माइनस 3/4 x³/3, तो 3 और 3 कैंसिल तो x³/4 आ गया और इसके ऊपर लिमिट लग रही है -2 से 4। अब इसके ऊपर लिमिट लगाओगे आप 4 एक पुट किया तो ये 12 बन जाएगा, प्लस 24 बन जाएगा, -16 रह जाएगा, माइनस 4 और 4 कैंसिल 3, -12 ये प्लस 8 हो जाएगा, प्लस 8 अपॉन 4 इज प्लस 2, सो दिस विल बी 25 माइनस 7 प्लस 7, 27 स्क्वायर यूनिट्स विल बी योर आंसर। एरिया बिटवीन अ कर्व एंड अ लाइन, हमें ये देखना है। पहले तो हमें क्या निकालना है, एक रफ स्केच बना लेंगे हम, कोई हमने फिगर उसके हिसाब से नहीं बनाई है, स्केल के हिसाब से। देन हमने क्या किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस फाइंड किए, वो आई होप समझ आया कैसे। उसके बाद देखेंगे कौन ऊपर है, लाइन ऊपर थी तो लाइन का एरिया में से हम पैराबोला को माइनस कर देंगे तो उसके बीच वाला एरिया हमारे पास आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई तो चैप्टर समझ आ गया, ये बात नहीं समझ आई तो हम बर्बाद हो जाएंगे, जो मर्जी। एक और इसी का एग्जांपल देने लगा हूं फिर से आप लोगों को, फाइंड एरिया ऑफ रीजन बिटवीन इंक्लूडेड बिटवीन, ध्यान से देखा। x² is equal to 4y and x is equal to 4y minus 2। बाबूजी अब इसका तो हमारे पास ग्राफ क्लियर क्लियर कट आता है, x² is equal to 4y सीधा चला गया, हाँ x is equal to 4y minus 2, जब y की वैल्यू 0 पुट करोगे x आ जाएगा minus 2 और जब x को 0 पुट करोगे तो y आ जाएगा आपका 1/2, मतलब यहां कहीं से ये लाइन पास करती हुई जाएगी। मुझे पॉइंट ऑफ क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे, y को कर देते हैं x² / 4, आप x को कर दो भैया जैसे मर्जी कर लो, हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। यहां से y की वैल्यू आ गई x² / 4, यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी x + 2/4, तो 4 कैंसिल, x² - x - 2 इज 0, तो ये क्या बन गया x² - 2x + x - 2 इज 0, तो x आ गया आपके पास -1 या फिर 2। x -1 है तो भैया पुट करेंगे 1 = 4y, y आ गया 1/4 और यहां से आ गया आपके पास 4 = 4y, y आ गया 1, तो आपके पॉइंट आ गए हमारे पास 1, 1/4 और ये आ गया 2, 1। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं ये लाइन बनाऊं, अब इस लाइन के नीचे आप देख सकते हो मेरे पास लिमिट आ गई, मेरा एरिया क्या बन गया, लिमिट आ गई -1 से 2 जाना है। ऊपर कौन है, ऊपर है लाइन माइनस पैराबोला, सो भैया -1 से 2 लाइन कौन है, लाइन है हमारे पास x + 2/4, पैराबोला है x² / 4, सो इसको DIY 9/8 स्क्वायर यूनिट्स आपके पास आंसर आना चाहिए।
इसको आप सॉल्व कर सकते हो। आई जस्ट टोल्ड यू एक फिगर बना के रफ सी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने कैसे निकाले, उसके बाद देखा कौन ऊपर है और कौन नीचे है, उसके अकॉर्डिंग ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया एंड यू गेट योर आंसर। क्लियर? करिए इसको नोट, जमा करो। अब ये तो था लाइन और हमारे पास एक कर्व है उसके बीच का, यही हमारे पास अगर दोनों ही कर्व आ जाएं तो क्या होता है, लेट्स सी दैट आल्सो। चले ठीक है जी। सो फाइंड एरिया ऑफ रीजन इंक्लूडेड बिटवीन, नाउ लेट्स मेक इट अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग। आई होप इतनी बात समझ आ रही है अभी। बिटवीन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax and x square is equal to 4ay, y square is equal to 4ax, ठीक है, and x square is equal to 4ay। तो भैया पैराबोला है डायरेक्ट डायरेक्ट, y square is equal to 4ax, x square is equal to 4ay, ठीक है, x square is equal to 4। तो भैया पता है, अब ये एरिया निकालना, एक तो 0,0 पे मिल रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, दूसरा पॉइंट क्या होगा? तो भैया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, वहां से y square है is equal to 4ax और यहां इसको स्क्वायर कर दें हम, तो ये बन जाएगा, देखो यहां से y की वैल्यू क्या आ रही है, x स्क्वायर अपॉन 4 है, तो y स्क्वायर कितना हो गया, x की पावर 4 ओवर 16 a स्क्वायर, ये और यहां से ये दोनों को इक्वेट कर दो, मेरे को आदत है y को ही मैं इक्वेट करता हूं, तो यहां y स्क्वायर को कर दिया, अंडर रूट में करना उसको अंडर रूट में कर दो, स्क्वायरिंग करके ज्यादा इजी हो जाता है, तो ये मेरे ख्याल 64 हो गया, a क्यूब हो गया और x हो गया। अब ऐसे एक्स एक्स ना काट देना, तो या तो x 0 है और x क्यूब माइनस 64 a क्यूब 0 है, यहां x क्यूब इज 64 a क्यूब, सो x कितना आ गया, यहां से 4 a आ गया, तो x 0 तो पता ही है हमें, x 0 है तो कहीं पे भी पुट कर दो, y भी 0 आ गया यहां से, x 4 a है, अब कहीं पे भी पुट कर दो, x 4a है तो y स्क्वायर वाज इक्वल टू 4ax, तो y स्क्वायर आ गया 4a इंटू 4, y कितना आ गया बच्चे, 4a आ गया, ठीक है जी, y कितना आ गया आपके पास, 4a आ गया। तो हमारा ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये क्या है, 4a, 4, तो हमें इसके बीच का एरिया निकालना था, मतलब जीरो और ये लिमिट। अब ऊपर कौन सा कर्व है, बस मैंने क्या बोला, सारे पैसे किसके हैं कि कौन सी चीज ऊपर है, ये वाला कर्व ऊपर है, ये वाला कर्व ऊपर है, तो इसका एरिया ये क्या है, जीरो टू फोर ए, ये कर्व ऊपर है, यहां वाई स्क्वायर 4ax था, तो वाई कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 4ax माइनस नीचे वाला, नीचे वाले में y क्या है, x स्क्वायर अपॉन 4 है। अगर इतनी बात समझ आ गई तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है जी। ऊपर कौन सा कर्व था, ये ऊपर कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो y की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ 4ax माइनस ये नीचे वाला एरिया, क्योंकि इसके नीचे ये एरिया आएगा, ये वाले कर्व में ये सारा एरिया आएगा जो हमें नहीं चाहिए, हमें टोटल में से इसको माइनस करना है। तो ये कौन से कर्व के नीचे आ रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो योर y बिकम्स एक्स स्क्वायर अपॉन 4a।
अब इसको आई होप कि आप लोग कर सकते हो, इसका आंसर आना चाहिए 16a² / 3² units दिया है। तो आई होप ये बात समझ आई आप लोगों को। अब हमने दो कर्व्स भी किए कि दो कर्व्स आपस में बाउंड करे, आपस में बनाए हम ड्रॉ करें, तो उनके बीच का एरिया कैसे होगा, राइट? करिए लो, ठीक है बच्चा भाई। नेक्स्ट, फाइंड एरिया ऑफ रीजन इंक्लूडेड बिटवीन y = x² + 2, y = x, x = 0, x = 3। ये सब कुछ हमें दिया हुआ है, इसके बीच का हमें क्या निकालना है, एरिया। y is equal to x square plus 2 है। जब भैया x को 0 डालोगे तो y क्या आएगा, 2 आ जाएगा। उससे नीचे तो हो ही नहीं सकता y की वैल्यू, क्योंकि it is x square, it will always be what, positive, it will always be what, greater than 2, है ना? तो भैया पैराबोलिक हो गया, ये ऊपर की तरफ जाएगा। I hope ये बात समझ आई है सब। y is equal to x square plus 2, ये आपका कर्व। दूसरी चीज उन्होंने बोली y is equal to x, y is equal to x तो यार लाइन होती है जो हमें पता है, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, ऐसे पास करेगी, हाँ या ना? ये y is equal to x, x is equal to 0, x is equal to 0 का मतलब क्या होता है, ये जो y axis है ये तो होती है x is equal to 0, x is equal to 3 का मतलब क्या है, यहां कहीं पे ये लाइन निकाल दो, this will be x is equal to 3। तो उसने हमें इंग्लिश में क्या बोला, find area of region included between curve, this line x is equal to 0 and x is equal to 3। So, अगर आप ध्यान से देखोगे ये एरिया है, x is equal to 0, x is equal to 3, y is equal to x and this curve, ये। Okay? आपको लगेगा कि इंटरसेक्शन क्यों नहीं कराई, आप करा के देख सकते हो, इंटरसेक्शन होगी नहीं। भैया b² - 4 × a × c, तो भैया क्या आ गया, 1 ± -7 आ गया, तो रूट्स अनरियल आ गए, ये कर्व और ये लाइन कभी भी नहीं मिलते हैं, ठीक है जी। आप देख सकते हो, झूठ नहीं बोल रहा हूं, दोनों को इक्वेट करके ये नहीं मिलेंगे, इसलिए ये लाइंस और ये कर्व ऐसे चले। अब देखो ऊपर कौन है, हमारी लिमिट है 0 से 3, ऊपर कौन है, कर्व है, कर्व माइनस, नीचे कौन है, लाइन dx। सो 0 से 3 कर्व क्या है, x² + 2, माइनस लाइन क्या है, x, तो x³/3 + 2x - x² / 2, 3 से आपकी लिमिट लग गई 0 तक। सॉल्व इट आउट एंड यू गेट द आंसर 21/2 square units, that is it। ये आपका आंसर आएगा एंड वी हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन, ठीक है। सो लेट्स मूव फर्दर अहेड, देखते हैं कुछ और। आई होप समझ आना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे कि हम कर क्या रहे। सारी गेम है कि आप इमेजिन, आप ये ग्राफ बना सकते हो, स्केच बना सकते हो ढंग से कि नहीं बना सकते हो, एक रफ सा, तो आपको आइडिया हो जाएगा। जिससे स्केच ही नहीं बना तो उसका बैंड बच जाएगा, वो नहीं कुछ कर पाएगा।
क्वेश्चन देखो पेपर में आना ही आना है, ठीक है जी, चाहे वो कंपटीशन है चाहे वो बोर्ड्स है। फाइंड एरिया ऑफ द रीजन अब इंग्लिश ऐसे भी लिखी हो सकती है, x square less than equal to y less than equal to mod of x. अब understand, जब हमारे पास ऐसी चीज आती है तो basically क्या कह रहा है, x square less than equal to y, तो इसका जब मुझे graph बनाना है तो मैं किससे बनाऊंगा, x square is equal to y से बनाऊंगा। ये x square is equal to y, मुझे क्या चाहिए, less than equal to चाहिए, क्या चाहिए, less than equal to। तो भैया basically इसका मतलब क्या है, ये सारा नीचे की तरफ, ये सारा इसके अंदर include होगा, ठीक है। अब y less than equal to mod x, एक सेकेंड, x square is less than equal to y, तो नेगेटिव तो आएगा नहीं ना, तो y is greater than x square, sorry, इसका आंसर ऊपर की तरफ बनेगा, this will be upstairs, क्योंकि y को बड़ा होना है x स्क्वायर से, सो इट विल बी अपस्टेयर्स, ठीक है ना। दूसरा ग्राफ क्या है, y लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x, तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। अब मॉड ऑफ x का ग्राफ क्या होता है, ये हमने किया, ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस x और ये हो गया y इज इक्वल टू x, मॉड में ऐसे बनाते हैं, है ना? अब लेस देन है, हाँ ये वाला ग्राफ होगा नीचे की तरफ, क्योंकि लेस देन है, ठीक है, वहां बाय बड़ा था, तो ये और ये एरिया इनके बीच का होगा, और ये सिमेट्रिकल एरिया होगा अगर आप ध्यान से देखो, और जब आप इनका इंटरसेक्शन भी कराओगे तो आई गेस ये पॉइंट सीधा सीधा बाय एक्स और एक्स स्क्वायर, तो एक तो 0,0 आ गया, ये आपके पास आ गया 1,1 और ये आ जाना चाहिए आपके पास -1,1। यकीन नहीं होता आप करके देख लो, x square is equal to x, तो x आपका 1 आ गया और 0 आ गया, जब आपका x 1 है आप पुट करके देख लो आपके पास y के दो केस आ जाएंगे, ठीक है जी, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग हम निकाल सकते, तो इसको आपको ये एरिया निकालना है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टू टाइम्स एरिया इज टू टाइम्स 0 to 1, सिमेट्रिकल होगा, कौन है पहले, लाइन माइनस कर्व, सो टू टाइम्स लाइन इज एक्स कर्व इज एक्स स्क्वायर, सो टू टाइम्स 0 to 1 एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स क्यूब बाय 3 और लिमिट है 0 से 1, पुट कीजिए यू गेट योर आंसर, इट शुड बी 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। या मैं थोड़ी सी गलती कर गया था, मैं y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो दैट विल बी अपस्टेयर्स, ठीक है जी। So moving further ahead,
चलें आगे। फाइंड एरिया ऑफ रीजन, बाउंडेड बाय x square by a square plus y square by b square is equal to 1। तो ये इक्वेशन किसकी होती है? एलिप्स की होती है। वो कह रहे हैं बाबूजी एक एलिप्स है, उसका एरिया क्या होगा? ऐसी शक्ल होती थी, इसने क्या एरिया ऑक्यूपाई किया है? तो भैया ये बेसिकली हमसे ये सारा एरिया मांग रहा है। तो दिस इज, अगर मैं इस एरिया को ले लूं सिर्फ ये एरिया लिमिट लगा दी जीरो से ए, तो चार टाइम कर दूंगा तो ये चार एरियाज बन जाएंगे। अब बात क्या आती है? बात आती है आप लिखते कैसे हो। तो यहां पे लिखना था वाई डी एक्स। वाई क्या आएगा यहां से? वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सो भैया वाई आ जाएगा अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 टू ए बी बाय ए, ये बाहर आ जाएंगे कॉन्स्टेंट से, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर आपको याद हो क्या होता था? हाफ एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस 1 बाय टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय, ये फॉर्मूला होता था हमारे पास, लिमिट लगेगी ए से जीरो। सो क्या आ गया आपके पास? 4 टाइम्स बी बाय ए डालोगे यहां पे ये जीरो बन जाएगा, और यहां डालोगे साइन इनवर्स 1 बन जाएगा, ठीक है जी। 0 प्लस साइन इनवर्स हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1 बन जाएगा, माइनस 0 डाला तो ये तो 0 हो गया और साइन इनवर्स 0 भी 0 हो गया। साइन इनवर्स 1 क्या होता है? आई गेस पाई बाय 2 होता है। तो ये आ गया 4 बी बाय ए इंटू हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1 इज पाई बाय 2। सो योर ए से गया 2 टू ए गया, आपका आंसर आएगा पाई ए बी स्क्वायर। इतना एरिया एक एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर क्या कर रहा है? बाउंड कर रहा है, ठीक है गाइस। सो लेट्स टेक अ लीव फॉर द टाइमिंग, पहला लेक्चर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आई गेस मोर और लेस विल बी एबल टू कंप्लीट द चैप्टर थोरली। करिए अपनी एनसीईआरटी स्टार्ट। जय माता दी, एंजॉय।